जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड और टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में। इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से वाइड्स पे न्यूमेरिकल आते हैं और किस तरह आपको करना है। इससे पहले मैं बेटा 7 वीडियोस बना चुके हैं सॉलिस्टेड, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी। उसी सीरीज कंटिन्यू आज कल चलते पार्ट 8 पे। क्वेश्चन कैसा आता है बेटा देखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच वाई एलिमेंट फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड एटम एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आप सुनो, देखो लिखो, लेट नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे आप नंबर ऑफ एटम्स क्या मान लो n, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा यह रखना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ, कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स के दुगने होते हैं हमेशा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड दुगने होते हैं। अच्छा, एटम एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जो एटम, देखो वाई एलिमेंट कितने हो गए, तो देखो वाई एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, वाई में कितने हो गए, एन हो गए। हाँ कि ना भाई, देखो ना, वाई एलिमेंट फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस, तो वाई वाले में कितने हो गए, सीधी। अच्छा, एटम एक्स ऑक्यूपाई, लाइन सुनो, एटम एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लाइन देखो। तो एटम एक्स क्या कर रहा है, 1/3 किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2n/3। यहां तक समझ आ रहा, नहीं आ रहा। अब क्या करना है, अब आपको x:y का रेशियो ले लेना बेटा। तो देखो x की कितनी आ रही थी वैल्यू, देखो कितना आ रहा था, 2n/3। y कितना आ रहा मेरा, n। किसी, देखो नीचे सेम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 2n:3n। हाँ कि ना भाई, दोनों को 3 से, तो कितना आ गया, 2/3। तो इस x के साथ लिख दो 2, y के साथ लिख दो 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x2y3। बात समझ आ रही किस तरह से मैंने क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ एलिमेंट y मेक क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड दोस ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला। देखो बेटा, सबसे पहले लाइन पकड़ लो, एटम्स ऑफ एलिमेंट y मेक सीसीपी, लेट नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी बेटा कितने मानोगे, n, और y देखो y क्या है, हाँ ठीक है बेटा, तो y भी कितना हो गया, n के बराबर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। लेट, अच्छा ये ठीक हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं भाई, आपने पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो नंबर ऑफ एटम के बराबर होते हैं कितने, n, ठीक है। एटम x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे के सारे किसने ऑक्यूपाई कर ली, x ने, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, n, और y वो तो n है ही। बात समझ आ नहीं है, देखो y आपने नंबर ऑफ एटम माने थे क्यूबिक क्लोज में, n y को पाया करा, y हो गया। और ये लाइन पढ़ो ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट x, x भी सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बराबर ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बार बार बता रहा हूँ दुगना होते हैं। तो फिर आपको x बाय y का रेशियो लेना था, यानी लोगे आप n बाय n का रेशियो, तो कट गया, तो 1:1 आ गया, तो x 1 y 1, या इसको लिख दो xy। बात समझ आ रही है किस तरह से हमें न्यूमेरिकल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस एंड दोस ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, व्हाट इज द फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूँ, फिर भी आपकी प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन में देखो, लेट नंबर ऑफ एटम्स कितने मान लें, एन, और ठीक है, और इतने ही हमारे क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, ठीक है, तो बी में कितने हो गए, एन आ गए, नहीं आ गए, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट बी फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो एन मान लिए, तो बी भी एन हो जाएंगे। एटम ए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे मुझे बताओ भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड आपने कहा सर डबल हो जाएंगे, वो तो होते ही है। एटम ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बात समझ आ गई, तो ए का कितना आ गया हमारा 4n/3, और b कितना आ रहा है मेरा n, जब रेशियो ले गए आप a रेशियो b, तो कितना आएगा 4n/3:n, तो 4n:3n आ गया, नहीं आ गया, तो क्या आ गया a4 b3। बात समझ आया नहीं किस तरह से फॉर्मूला निकालना है,
है ना, पिछला करा चुका हूँ बेटा, ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता, अगले पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मेरा, अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागनल क्यूबिक क्लोज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। देखो बेटा, देखो आप लिखो, लेट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू लेट नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, कितना आएंगे, 0.5 मोल, और एक मोल में कितने होते हैं आप मुझे बताओ। क्या आपको पता है कि एक मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, नहीं होता? तो ये आ गया 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई करना 6.023 इंटू 5 15 11, एक ऊपर आ गया 3.015 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स आ गए मेरे। बोलो, अच्छा ऑक्टेटल वाइड्स जो होती है नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं, ऑक्टेटल वाइड्स नंबर ऑफ एटम के बराबर, तो जितने ये हैं उतने ही मेरे ऑक्टेटल वाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं, टेट्रा ये क्या होते हैं बेटा, दुगने होते हैं इसके भाई, नंबर ऑफ के दुगने, तो 2 × 3.015 इंटू 10 की पावर 23, ये कितना आएगा, 3.015 को 2 से करो 6.030 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ गए मेरे टेट्राहेड्रल वाइड 6.02 10 की पावर 23, ऑक्टेड्रल वाइड्स आ गए इतने, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं, देखो ये ऑक्टेड्रल वाइड, ये सॉरी एक ही बात है, खैर वो तो ये रहे। टोटल वाइड्स क्या होंगे, टोटल वाइड्स होंगे ऑक्टेड्रल वाइड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, दोनों को जोड़ के लिख दो कितना आ रहा है, देखो 3.013 10 की पावर 23 प्लस 6.030 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कॉमन लिया, अंतर आ गया 3.015 प्लस 6.030, दोनों को ऐड करके देखो 6.030 और 3.015 कितना गया, 5.4 9.045 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।